उपचुनाव का संग्राम योगी बनाम अखिलेश के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच जोरदार सियासी जंग होने जा रही है। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने नजर आ रहे हैं। बयानों का आगाज अखिलेश यादव ने किया तो पलटवार सीएम योगी की तरफ से भी आया। तमाम तल्ख बयानबाजी इस तरह जंग में नजर आ रही है, चाहे वो बुलडोजर पर हो, भगवान राम पर हो या फिर योगी के वस्त्रों पर। लेकिन कुछ नजर नहीं आया तो वो है सहयोगी दलों का एक साथ होना, यानी कि इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों की ही तरफ से उनके सहयोगी दल नदारद नजर आए। सपा को कांग्रेस का समर्थन तो मिला लेकिन कांग्रेस के हुंकार सुनाई नहीं दी। सीएम योगी भी अकेले ही चुनावी मोर्चा संभालते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सहयोगियों का साथ इन तमाम गठबंधनों को क्यों नहीं मिला? इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी उपचुनाव में कई नेताओं के सियासी रंग आपने देखे होंगे, लेकिन उपचुनाव की जंग सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच ही दिखाई दे रही है। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी और अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई दिख रही है। इस लड़ाई में ना ही एनडीए का कोई सहयोगी कूदता हुआ दिखाई नजर आया और ना ही इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी चुनावी मैदान में खाद पानी डालता हुआ नजर आया। जी हाँ, दूर दूर तक वो भी नजर नहीं आए जो सपा की साइकिल पर बैठकर लोकसभा चुनाव में अपने हाथ को बुलंद कर रहे थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने समर्थन देने का भले ही ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस का हाथ इस उपचुनाव में धुंध में कहीं गुम हो गया। साथ ही साथ इस चुनाव में मायावती का जोश भी बेहद ठंडा नजर आया। उनके हाथी की चाल सुस्त नजर आई। ना मायावती प्रचार में उतरी और ना ही आकाश को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी। यानी कि तस्वीर बहुत हद तक साफ है और वो ये कि उपचुनाव में संग्राम सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव के नाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए एनडीए का कोई भी सहयोगी खास तौर पर ना तो अनुप्रिया पटेल नजर आई, ना ही ओपी राजभर और ना ही संजय निषाद दिखे। खैर, इन सब में दिलचस्प बात यह है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को 2027 के लिए विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सारा खेल राजनीतिक धारणाओं का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा केंद्र में नहीं छू पाई। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद यूपी में ये पहला चुनाव हो रहा है जिसे यूपी में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। बीजेपी की तरफ से कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तो सपा की ओर से अखिलेश चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं। दोनों ही नेता ये बात अच्छी तरह से समझते और जानते हैं कि उपचुनाव के नतीजे उनके सियासी भविष्य को भी तय करने वाले होंगे और भूतकाल को भुलाने के लिए ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। तभी तो उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी ने कमान खुद संभाल रखी है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चुनावी तवे को तपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी जीत और किसकी हार होती है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे सरकार की सेहत पर नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की सेहत पर असर जरूर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यूपी उपचुनाव को लेकर घमासान है, अखिलेश यादव और सीएम योगी का इम्तिहान है। परिचय करवा देती हूँ अपने खास मेहमानों से। अविरल मलिक है, नेता है बीजेपी के, अनुज श्रीभरे हैं, नेता है कांग्रेस के, पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। पूजा मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। हुंकार कहीं सुनाई नहीं दी कांग्रेस की, हालांकि समर्थन का दावा वादा जरूर किया गया, लेकिन कोई भी चुनावी रैली करता हुआ नजर नहीं आया। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, कोई भी दिग्गज नेता नजर नहीं आया, कोई खास वजह? श्रुति जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथ ही पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार।
इसमें मुझे लगता है कोई खास वजह नहीं है। वजह हो सकता है कि ये रही हो कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है और कई राज्यों में बाई इलेक्शन है, गुवाहाटी में भी सॉरी असम में बाई इलेक्शन, यानी कि यूपी के बाई इलेक्शन से कोई मतलब नहीं था, चुनाव लड़ रही थी। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। और कांग्रेस का संगठन हमारे साथ प्रचार कर रहा था, कांग्रेस के जो यहाँ पे सांसद है वो भी हमारे साथ में प्रचार में थे, कांग्रेस की जो कमेटी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वो हमारे साथ थी और हमारे साथ में लगकर के इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार कर रहे थे। अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं लगता तो मुझे लगता है कि भाजपा को इतनी परेशान भी नहीं होनी पड़ती है। नहीं, वायनाड में हमने चुनावी हुंकार करते हुए नजर आए थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन उपचुनाव यूपी में भी तो है, वहां पर क्यों नहीं दिखे कोई? नहीं बिल्कुल, अब मैंने कहा ना कि उपचुनाव तो असम में भी है, समर्थन मिल गया है लगता है, साथ नहीं मिला। नहीं पूजा मिश्रा, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं, पांच सीटें मांग रही थी कांग्रेस जो नहीं दिया गया, ये उसी का साइड इफेक्ट है। नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आप और को क्लियरली अनुज जी कैसे लेते हैं, संगठन पूरा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिला अध्यक्ष हो, शहर अध्यक्ष हो, प्रदेश का नेतृत्व भी हमारा पूरा काम कर रहा है। जैसा कि मिश्रा पूजा जी ने बताया कि हमारे सांसद भी सारे जो उत्तर प्रदेश के सब मिलके काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि प्रियंका जी और राहुल जी उत्तर प्रदेश में आते, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव वायनाड भी है और भी जगह है, महाराष्ट्र इससे बड़ा टारगेट है क्योंकि वहां सरकार बनने जा रही है। तो इसलिए मेन प्रश्न हमारा महाराष्ट्र है, झारखंड है, इसलिए हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में समय नहीं दे पाए हो, मगर ऐसा नहीं क्यों है, क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव, इसलिए जी उत्तर प्रदेश को दरकिनार कर दिया गया। अफजल मलिक जी नहीं करा, जो हाल यहाँ का है वही हाल वहां भी, किया होता तो संगठन काम नहीं करता, संगठन लगातार समाजवादी पार्टी से के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है अफजल मलिक जी, जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ तो रही है, लेकिन कोई भी सहयोगी दल आपके यहाँ प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया बीजेपी के खेमे में? जी देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, एनडीए का विषय है, एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है गरीबी मुक्त प्रदेश का निर्माण करना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का निर्माण करना, निश्चित रूप से भाजपा अविरल जी हुई है। ठीक है अविरल जी, संजय निषाद को एक भी सीट नहीं दी गई, दो सीटों के लिए वो दिल्ली में डेरा डाले रहे, आपने सीट नहीं दी, उसके बाद संजय निषाद एक पोस्टर भी लहराते हुए नजर आते, पोस्टर लगा दिया जाता है संजय निषाद एकमात्र सहारा, उसके बावजूद भी वो सहारा एकजुटता में क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों नहीं सपोर्ट देता हुआ नजर आया बीजेपी को? जी नहीं देखिए, जहां तक विषय है संजय निषाद जी का, वो कैबिनेट मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री है और निश्चित रूप से एकजुट रूप से कार्य कर रहे हैं और मजबूत। नहीं लेकिन आप लोग ये जरूर देखना है कि राहुल गांधी आए कि नहीं आए, अपने खेमे में देखना एकदम सोचते ही नहीं है कि देखना जरूरी भी है कि अपने बगल में क्या हो रहा है, अपने घर के अंदर क्या हो रहा है। देखिए ये नेगेटिविटी से लेना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिवली इस विषय को लिया जाए तो इस विषय को देखना चाहिए। कैसे पॉजिटिव लूं? जी देखिए संजय निषाद जी किस प्रकार से उत्साहित है, आपने अभी कहा कि एकमात्र सारे की जहां तक बात है तो वो सारे के रूप में अपने आप को मान रहे हैं और एकमात्र एकमात्र सहारा, इसका अर्थ है वो उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर उत्साहित है, तो उनकी उनकी जो उत्साह है वो चुनावी रैलियों में नजर नहीं आई। अविरल जी आपको नजर आई थी क्या? नहीं देखिए पूर्ण रूप से उनका संगठन लगा हुआ है, जमीन स्तर पर लगा हुआ है और जहां तक विषय है एकजुटता की, एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का यही उद्देश्य है कि सबके कल्याण के लिए कार्य किया जाए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कार्य कर रहा है और विषय है समाजवादी पार्टी का, ये बात करते हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, तो जरा बताएं कि दलितों के लिए इनकी सरकार में क्या हुआ, पिछड़ों के लिए इन्होंने क्या किया, क्यों फैसले नहीं लिए और आज ही नहीं याद आ रहा है, ये आज बातें कर रहे हैं, इन्हें सरकार में जनता लाई थी तब जनता के लिए इन्होंने काम क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी को भी 60 साल का मौका मिला, 60 साल का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, हमें 10 साल का मौका मिला, 10 साल में हमने इतना काम कर दिया जितना कांग्रेस 100 साल में नहीं कर पाती, 7 साल में उन्होंने इतना काम कर दिया है कि जितना कांग्रेस कभी कर भी नहीं पाई। ठीक है अनुज जी जवाब दीजिए, ठीक है पूजा मिश्रा जी वापस आऊंगे। हाँ 10 सालों में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, राइट टू सरकारी प्राइवेट सेक्टर में कर दिया और पूरे देश में बेरोजगारी का माहौल, कोई बेरोजगारी नहीं है, राजनीतिक बेरोजगारी, राजनीतिक मणिपुर
मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री उसको भनक नहीं है, कांग्रेस आज तक मणिपुर नहीं संभाल पा रहे, एक छोटा सा राज्य संविधान की प्रति संभाल पा रहे होता है, ये संविधान के नाम पे झूठ फैला रहे थे, फंडामेंटल राइट को जनता को संविधान के नाम पे झूठ फैला रहे थे कि लाल के फंडामेंटल राइट को दिलाने वाले लोग हैं जनता को, देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में चिल्ला रहे हैं झूठ फैला रही है मलिक साहब जी, देश की जनता सब समझ रही है, आप झूठ कह रहे हो, मैं वही तो कह रहा हूं, पूरे देश पर झूठ के आधार पे इस 10 साल को काट लिया, अब आप भी काट पाएंगे 10 साल में, और 24 में आपको आप जनता ने जवाब दे दिया, कर सकती थी कांग्रेस, जनता ने आपको जवाब दिया है 2024 में, आपके उत्तर प्रदेश में पैर उखड़ चुके हैं, आप बात कर रहे हो चुनाव में जीतने की, उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में आप उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश आज भी 2 सीट भी जीत नहीं जीत पा रहे, नहीं झारखंड छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ बताइए आप, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्लीन स्वीप किया 29-29 हम जीते, कमलनाथ का घर राजस्थान में बात करिए ना, राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में आपकी सरकार थी तब भी ठीक है, अनुज जी अविरल जी बात उत्तर प्रदेश की करनी है आपको, जिसके लिए खुद अविरल जी सीएम योगी आदित्यनाथ कमान थाम रखे हैं, मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने, लेकिन सहयोगी दल नहीं नजर आ रहे, क्या सहयोगी दल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है? देखिए सहयोगी दलों की जहां तक बात है, सब लोग पूर्ण रूप से मजबूती के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है वो मजबूती कहीं पर्दे के पीछे छिपी हुई है, नहीं जनता देख नहीं पा रही है, क्या प्रॉब्लम है, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे बिल्कुल नहीं है, वो जमीन आगे तो नहीं नजर आ रही, नहीं नहीं अविरल जी, जमीनी स्तर पे मजबूती छिपी हुई है, और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, ये अपनी बताएं, ये विचारधारा के खिलाफ जाके गठबंधन कर लेते हैं, अब इन्हीं से कोई सीखे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत वो वीर सावरकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, संजय राउत और ये वीर सावरकर जी के खिलाफ किस प्रकार से राहुल बाबा बोलते हैं वो सबने देखा है, अब इनका गठबंधन कैसे चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उस गठबंधन की कला को, आपके पेट में हर चीज पे दर्द होता है, आप गांधी को आज पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि आज गांधी को क्यों पूछ रहे हैं, आज आपके देश के प्रधानमंत्री गांधी को जिस प्रकार से उपयोग करना चाह रहे हैं वो पूरे देश देख रहा है, के राह पर चलने वाले लोग हैं, कहां से क्या कहा आप बताइए, गौर से कौन थे, गौर से कौन थे, गौर से कौन थे बताइए ना, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, गौर से कौन थे, गौर से को कौन मानता है, कौन मानता है, गौर से को आप लोग मानते हैं, कोई नहीं मानता, आप लोग विचारधारा के गौर से सावरकर की विचारधारा के लोग हैं, आप लोग गांधी के हत्यारे हैं, हम गांधी जी के पथ पे, गांधी जी के हत्यारे आप लोग, सत्य और अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं, कहां सत्य अहिंसा की बात कर रहे हैं, गौर से को आप लोग पूछने वाले, सावरकर को पूछने वाले, सावरकर की विचारधारा को मानने वाले, क्या बात कर रहे हैं आप, वीर सावरकर जी को आपके संजय राउत पूछते हैं, उद्धव ठाकरे जी मान ले वीर सावरकर जी को, संजय राउत नहीं नहीं संजय राउत जी से जाकर पूछ लीजिए, वीर सावरकर जी के संबंध में जवाब मिल जाएगा, जाइए, मैं तो कह रहा हूं आपके गठबंधन के नेता, आप मुझे जवाब दे दीजिए ना, मैं कहां को दूं, जाइए ना, भारतीय जनता पार्टी लगातार गांधी जी के विचारधारा के विरुद्ध रही है, आज मजबूर 10 सालों से गांधी जी की विचारधारा पर चलने का काम करना चाह रहे हैं मगर चल नहीं पा रहे, आप देखिए मुगलवादी विचारधारा का कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम गांधीवादी लोग हैं, इस बात को आप जान लीजिए, कहां से गांधीवादी है आप बताइए, कहां से गांधीवादी रही है, स्वच्छता से गांधीवादी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, स्वच्छता के संकल्प को पूरा करने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान को चलाकर जनधन खाते हम ठीक है, अविरल मलिक जी, अनुज जी, कौन परिवारवाद वाला है, कौन गांधीवाद, ये देखना एक अलग पहलू है सबका, पूजा मिश्रा जी, खुद अखिलेश यादव मोर्चा संभाल के रखे हुए हैं, इतना महत्वपूर्ण है उपचुनाव, कैसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि जिसकी जीत होगी वो 27 में भी जीतेगा, जिसकी हार होगी उसे मात मिलेगी 27 में, है कि जिसकी जीत होगी उसको 27 में भी जीत मिलेगी या हार नहीं, लेकिन ये 27 वाला पोस्टर तो लहराया गया था इसी उपचुनाव में, तो अगर ऐसा नहीं है तो हम तो प्रधान कार्यकर्ताओं को अगर मुझसे आप पूछेंगी हजार बार करोड़ बार पूछेंगी तो अगर मुझसे आप पूछती हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ तुम्हारी पार्टी को, मैं बोलूंगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में, और मैं उसके लिए पूरी 2024 में अगर 27 की बात करनी है तो उसका मतलब प्लान तो तैयार है ना,
इस उपचुनाव को इसी तरीके से देखा जा रहा है, उसी नजरिए के साथ देखा जा रहा है। श्रुति जी, हम विपक्ष में है और हमें जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी राजनीतिक दल है वो चुनाव में रहने के लिए सरकार में रहेगा तभी वो कार्य कर पाएगा। जो हम आज सड़क पर आकर के सवाल पूछ रहे हैं, अगर उन सवालों को हमें हल करना होगा तो हमें सत्ता में आना पड़ेगा और सत्ता में आने के लिए बहुत जरूरी है कि मेहनत करें। पूजा मिश्रा जी, नहीं बिल्कुल नहीं, 2024 का चुनाव का मतदान भी नहीं हुआ है, नतीजा भी नहीं आया, उससे पहले 27 का सत्ताधीश कौन? ये ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और श्रुति जी, हम धरातल पर हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है कि भाजपा को है, क्योंकि भाजपा मुद्दों पे चर्चा नहीं करती है। अभी भी जो है ऐसा लग रहा था चले गए इतिहास में, न जाने क्या क्या सारी जो है होता नहीं है, खुरपी की शादी में हंसी का गीत गाते हैं भाजपा के प्रवक्ता लोग, वो लोग यही बना लिए हुए कि मुद्दों की बात मत करिए। अभी जॉब की बात करें तो यहाँ हुई है विधानसभा में जॉब भर्ती हुई है, जिसपे हाईकोर्ट आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये कैसा है कि 186 सीट के अगेंस्ट में जो है 2.5 लाख अभ्यर्थी आते हैं और 2.5 लाख में जो है 186 बार के हो जाते हैं। अविरल जी, नहीं बिल्कुल कार्य नहीं कराया किया ना इन्होंने, अभ्यर्थियों को सड़क पे आकर भर्ती की हुई है, उसमें भी सारा परिवार है, सारा वीवीआईपी का संबंधी है, मुद्दा नजर भी नहीं। अब ये फिर घुमाएंगे ये अपना, फिर वो कहानी चालू करेंगे महात्मा गांधी जी जिनका सम्मान नहीं करते लोग। देने वाले लोग हैं, हमने विकास किया है, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई है, पीड़ितों के हित में बकवास मत करिए, आप लोग तथ्यों के आधार पे काम करा दीजिए। आप जो हजारों की संख्या में छात्र जो है बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जो है झांसी में बच्चों की डेथ हो जाती है और आपके जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं उनके लिए सड़क सजरा होता है, बहराइच में दंगा हो जाता है, बहराइच में बेड़ियों का अटैक होता है, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहती है, सारी बकवास बातें करा लीजिए भाजपा के प्रवक्ताओं से। कोई धरातल की बात मत करिए, शिक्षा का स्तर गिरा दिया हुआ है, किसान को डीएपी नहीं मिल रही है, काला बाजारी टॉप पे चल रही है, छात्रों को सड़कों से उतार के रख दिया हुआ है और जो भर्ती की भी है उसमें सारे वीवीआईपी के रिश्तेदार भर दिए, बेचारे कोर्ट जो है उपलब्ध है कि ऐसे कैसे भर्ती हो गई कि 80 जो वीवीआईपी के रिश्तेदार निकल गए हुए हैं। और सर हम धरातल पे रह करके, अरे आंकड़े बताइए क्या कार्य किया हुआ है, सिद्धाल बजाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया हुआ है। अभी स्वच्छता की बात करिए, हम बहुत स्वच्छता कर रहे हैं, नमामि गंगे का कितना फंड गंगा को साफ करने में इस्तेमाल किया गया, नमामि गंगे का फंड जो है दीवारों को पेंट करने में इस्तेमाल किया गया है, गंगा जी की सफाई नहीं हुई है। अभी भी उत्तर प्रदेश में 12 जो है कारखानों के गंदे पानी गंगा जी में प्रवाहित होते हैं, उनमें कुछ नहीं करना है, नमामि गंगे फंड एलोकेट कर दिया, अब रंगो पुताई करो, पुताई कर करके नमामि गंगे लिखो और जो है इसमें से भाजपा का प्रचार करो, सबको प्रताड़ित कर दो, उत्तर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित कर दो, उसके बाद में आंख बंद करके चले जाओ दूसरे प्रदेशों में। उत्तर प्रदेश जल रहा है, मुख्यमंत्री मस्त है दूसरे प्रदेश में, हम दूसरे प्रदेशों में सरकार बनाएंगे, भले उत्तर प्रदेश जल के ग्राफ हो जाए, यहाँ अभ्यर्थी परेशान हो जाए, महिलाएं परेशान हो जाए, बच्चे जल जाए, कैसे कितनी काला बाजारी है, गोरख धंधा कर रखा हुआ है, हर चीज का गोरख धंधा कर रखा हुआ है कि जिस हॉस्पिटल की जो है ऑडिट होती है फरवरी में, मोबिल होता है जो जून में, उसी में नवंबर में जो 10 बच्चे जल के मर जाते हैं, 8 चीजें रहती है, गोरख धंधा जनता देख रही है। जो गोरखनाथ के आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे गोरख धंधा जो भी चला रहे हुए हैं उनकी भी गलती नहीं है, प्रधानमंत्री जी ऑक्सीजन घोटाला किए हुए हैं तो वो करेंगे ही करेंगे, और आप लोग बकवास करते हैं, अविरल मलिक जी करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि आप दोनों ही बजट पर पता नहीं कहाँ चले गए। मुस्लिम जाति बनाए चले जाइए, कल को चले जाएंगे विदेश, मुद्दों की बात हो रही है, पूजा मिश्रा प्रदेश की बात नहीं करेंगे, अविरल जी मुद्दों की बात हो रही है, इस उपचुनाव के दौरान कौन कौन से मुद्दे भाजपा ने उठाए होंगे? जी नहीं देखिए, जहाँ तक विषय है उपचुनाव का तो हम विकास के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चलिए ठीक है, विकास का मुद्दा है। पूजा मिश्रा जी आपने सुना, शायद आप लोग आप विपक्षी पार्टियों को सुनाई नहीं देता, विकास तमाम जगहों पर विकास की बात कर रही है, विकास कहाँ है? नहीं, विकास उनके कार्यालय में है, श्रुति जी हमारा कार्यालय है और इनका कार्यालय, मैच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसके कार्यालय का विकास ज्यादा हुआ है। और आपने देखा ही आरओ पीसीएस के छात्र सड़क पे रहे हैं, आप देख ही नहीं किसानों की लाइनें लगी हुई है, सड़कों पे गड्ढे हैं, बहराइच में जब जो है गंदा छोड़ रही है, वहाँ पे भेड़ियों का आतंक होता है तो वहाँ पे बिजली नहीं रहती है, आपूर्ति नहीं, बिजली ही नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं पहुँचा हुआ है वहाँ पे। तमाम मुद्दों के बीच प्रयागराज का मुद्दा भी विपक्षी पार्टियों के खेमे में, अनुराग अनुद श्रीवारे जी, तमाम मुद्दे मिल गए,
देखिए विकास का मुद्दा ये है कि लखनऊ विधानसभा में पानी गिरता है, झांसी में बच्चे मारे जाते हैं और इलाहाबाद में प्रयागराज में लाठी चार्ज करके युवाओं को पीड़ित किया जाता है। अविरल जी विकास कार्य ये मॉडल है उत्तर प्रदेश का, मगर अविरल जी अपने बड़े पहाड़े झांसी में नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, लाठी डंडे बजाए जाते हैं प्रयागराज में, वो तमाम ही विकास की तस्वीरें हैं जो जनता देख रही है। देखिए जहाँ तक बात है महंगाई बेरोजगारी या शिक्षा नहीं, इन तस्वीरों की बात करिए अविरल जी। फिर भटक गए इलाहाबाद प्रयागराज की बात कर रहे हैं, झांसी में बच्चे मारे जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, कहाँ चले गए क्या अविरल जी? पहले कैसे डिबेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लीजिए, कार्रवाई बोलने की किसी को नहीं बख्शा जाएगा, इस चीज को लेकर हम स्पष्ट है। गोरखपुर में गलबली का बकरा 63 बच्चों की डेथ हुई थी, तब भी हुआ था कि नहीं कार्रवाई की जाएगी? कभी तो बलि का बकरा बनाया गया और किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ, वो 63 बच्चों की डेथ हो गई और माननीय मुख्यमंत्री तब भी मस्त थे, आज 10 बच्चों की डेथ हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री की फिर भी मस्त है और कहेंगे कार्रवाई होगी। जो पेपर लीक में इन्वॉल्व था उसकी साफ पूछते याद रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उसके बाद में उसको बेल मिल जाता है और ये साफ पूछते याद रख रही है। तो ये तो आपका न्याय है, आप लोग बैठेंगे घंटे भर के अंदर में रिपोर्ट चाहिए, घंटे भर के अंदर में साफ पूछते को याद दिलाएंगे, घंटे भर के अंदर में जो है कन्विक्शन होगा और उठा करके देख लीजिए जितने भी अपराध हुए कितने कन्विक्शन हुए, नहीं कन्विक्शन हुए क्योंकि कन्विक्शन कैसे होगा। चलिए पूजा मिश्रा जी तमाम जो मुद्दे आप अभी चर्चा में उठा रही है, पूजा मिश्रा जी अविरल जी सुन लीजिए, अविरल जी पूजा मिश्रा जी ये तमाम मुद्दे जो पूजा मिश्रा जी आपने अभी उठाया, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के इन मुद्दों से कोई खास मतलब नजर नहीं आता। चुनावी हुंकार भरते हुए वस्त्र की बात करते हैं, सीएम योगी के वस्त्र को अपना अस्त्र बनाते हुए नजर आते हैं, मुद्दा कहाँ है? नहीं 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 श्रुति जी, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कुछ ऐसे वक्तव्य कर जाते हैं कि जिसका जवाब देना जरूरी होता है, उसके अन्यथा आप देखिएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कभी भी जो है ऐसा नहीं बयानबाजी की बात कर रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव में पूजा मिश्रा जी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम पोस्टर लगाए गए होंगे। रुक जाइए पूजा मिश्रा जी सुनिए, पूजा मिश्रा जी अविरल जी सुनिए, मैं सुन रहा हूँ पूजा मिश्रा जी, तमाम पोस्टर लगाए गए होंगे, उन पोस्टरों में कहीं भी मुद्दा नजर आया आपको? ये कार्यकर्ताओं ने लगाए हुए थे, जो भी आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए ना, सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाया। हाँ। कार्यकर्ताओं ने क्यों लगाया, कैसे लगाया, तो उनकी मर्जी, गलत नहीं था तो हम कुछ उनको कहा नहीं, उन कार्यकर्ताओं की इच्छा है, अगर कुछ गलत रहता तो समाजवादी पार्टी समाजवादी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस पर कुछ कहते भी, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम मुद्दे उठाते हैं, अगर हम मुद्दे नहीं उठा रहे होते ना तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता मुद्दे का, और सरकार भी जो है आंखें बंद कर लेती, उनको चीजों को ना बदलना पड़ता, अगर हम मुद्दे ना उठा रहे होते तो अभ्यर्थियों को प्रोटेस्टर्स को ये ना कहा जाता कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये जो है विपक्ष से प्रेरित है, क्योंकि हम मुद्दे इसलिए कहते हैं विपक्ष से प्रेरित होकर के अभ्यर्थी आ गए हुए, महिलाएं आ गई हुई सड़क पर, अगर विपक्ष ना बोले तो ये सड़क पे ही ना आए, वो मुद्दा उठाता है तो आप कहते हैं कि अच्छा ये सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है जी। नहीं देखिए समाजवादी पार्टी के लोग ट्वीट ट्वीट पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, ट्वीट ट्वीट करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, धरातल पर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है, सच्चाई है, वास्तविकता है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का तो संगठन ही नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लखनऊ और दिल्ली हो गया आपका, हम धरातल पे मजबूत नहीं है, लखनऊ और दिल्ली कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं है। अनुज श्रीवारे जी ठीक है, अनुज श्रीवारे जी बागपत मेरठ गाजियाबाद सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर आगरा मथुरा कोई संगठन की चिंता संगठन नहीं बात हो रही है पार्टी का मुद्दों की, वो उस पर जवाब ही दे पाते मगर कांग्रेस के संगठन की चिंता करते हैं, ये मलिक जी को ज्यादा मालूम है कि कांग्रेस का संगठन है या नहीं है अविरल जी, मगर इनके बड़े बड़े नेता नहीं दे पाते, बहराइच में इन्हीं के विधायक ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है,
देखिए कौन किसने कहा एडिटेड है या फेक है मुझे मालूम नहीं है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अरे एफआईआर करा है भाई साहब, क्या बात करते हैं, आप ही के विधायक हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं भी एफआईआर कराया हुआ है, लेटर जारी मुझे नहीं मालूम है, ऐसे कैसे बोले जाते हैं। मैंने सुन लीजिए, कम से कम पक्ष में है, एफआईआर में है, उसको बोला करिए कि हाँ होगा, उनको लगा होगा, पूरे देश से फैला के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है तो अनुज जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने, ठीक है अनुज जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने सपा को भ्रमित किया कि वो समर्थन दे रही है लेकिन चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आई, चुनावी रैलियों में भी शामिल नहीं हुई, पूरा संगठन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, बूथ स्तर पे बिस्तर पे आप देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिखेगा, जिला से काम कर रहे हैं, कोई हमारे ऐसा नहीं है पूजा मिश्रा जी, कहीं ना कहीं व्यस्त है। राहुल गांधी का चुनावी जनसभाओं में नहीं आना किस ओर इशारा कर रहा है? अगर अगर आप ऐसे देखते तो राहुल गांधी जी जो है असम में भी बाई इलेक्शन में 5 सीटों पर नहीं किया चुनावी रैली, वहां पे तो वहां पे किससे जो है नाराज चल रहे हैं या फिर वहां पे कौन सी खींचतान चल रही थी, कोई सीट मांग रहे थे नहीं मिल रहा था, वहां पे तो 5 ही सीटों पे बाई इलेक्शन है, 3 विधानसभा 2 लोकसभा और 5 पे उनके प्रत्याशी हैं और जो सांसद वहां पे जाकर के उनके लिए प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, जिसको कमान उन्होंने वहां पे सौंपी है, वो सांसद उत्तर प्रदेश में भी प्रचार किए हुए हैं कांग्रेस के, जो उत्तर प्रदेश के सांसद इलाहाबाद से, तो ये मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि रणनीति होगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाएं संभाल रहे हैं, जैसे जो उनके उन्होंने गठबंधन के सहयोगी दल चुनावी रैलियों से नदारद नजर आए, इसके पीछे कोई बोलो। देखिए जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से 9 की 9 सीटों पर जीत रही है, चुनाव जीत रही है और करहल में। चलिए अविनाश जी, देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि 9 सीटों का ये जो दावा आपने किया है वो धरातल पर जनादेश के रूप में सत्य साबित होता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया अविरल जी, अनुज जी और पूजा मिश्रा जी चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो उपचुनाव का जो ये सियासी संग्राम है अब संगठनों पर भी आ चुका है, सहयोगी दलों पर आ रुका है, क्योंकि सहयोगी दल चुनावी हुंकार से बेहद नदारद नजर आए, ऐसे में इसका असर जनता के बीच क्या गया होगा और 23 नवम्बर को जनादेश क्या आएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।